10 रोल नूडल मेकिंग मशीन। दोस्तों आज आपको नूडल मेकिंग मशीन के बारे में बताते हैं। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि नूडल मेकिंग मशीन के बारे में बताएं। ये 10 रोल नूडल मेकिंग मशीन है, इसके अंदर 10 रोल होते हैं। ये सेंटर में 2 हैं, पीछे 4 और आगे 4 रहते हैं। ये एक अच्छी मशीन है, बहुत ही बढ़िया इसकी प्रोडक्शन भी निकलती है। 200 से 250 किलो पर आवर के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन निकल जाती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी निकलती है इस मशीन में। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि इससे छोटी मशीन एक 8 रोल की आती है, वहाँ तक तो आप लगा सकते हैं, और उससे छोटी मशीन मत लगाएं। जो 2 रोल की मशीन या 4 रोल की मशीनें आती हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा शिकायत है। ये मशीन मैन्युफैक्चरर थोड़े बदनाम भी है इस मामले में। बदनाम इसलिए होते हैं कि सस्ती मशीन मांगने पर लोग दे देते हैं और वो अच्छा काम नहीं करते हैं। तो 2 रोल 4 रोल इससे अच्छा काम ना करो, वो ज़्यादा अच्छा है। ये मान के चलो कि 5-1 लाख रुपए का अगर बजट है तो ही काम करें आप। इससे कम के बजट में नूडल मेकिंग का काम ना करें, तो मेरा सजेशन यही रहेगा। 8 रोल की मशीन अभी हम आपको दिखा देंगे इसके बाद। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 8 रोल नूडल मेकिंग मशीन। अभी इसका वीडियो भी आ जाएगा, ये देख लीजिए। ये 8 रोल मशीन है, इसकी भी प्रोडक्शन लगभग 200 किलो के आसपास निकल आती है। थोड़ी बहुत 10-15 किलो ऊपर नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी क्वालिटी भी क्वालिटी चलती है, पर इससे कम के रोल अगर होंगे, इसके अंदर से बीच में जो 2 रोल हैं वो नहीं है, आगे 4 हैं, पीछे 4 हैं, और साइज हल्का सा छोटा रहता है इस मशीन का। और ये भी इसकी भी प्रोडक्शन अच्छी है और क्वालिटी भी ठीक है, पर इससे कम के रोल हो, अगर 4 रोल की मशीन कुछ लोग लगा लेते हैं तो वो ना लगाएं। और 5 लाख से कम का बजट है तो भी बेहतर है, क्योंकि जो 4 लाख रुपये से कम की कोई मशीन 10 रोल की नहीं आती है, और 8 रोल की मशीन लगभग 3-3.5 लाख रुपए से कम की नहीं आती है।